नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये मालियन का चौराया है, बड़ा बाजार झांसी का। आज हम रिपोर्ट मालियों की चौराहे की दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कैसी भीड़ है, क्या हाल हैं इधर के, इधर के हाल दिल क्या कह रहे हैं। खौफ भी है कोरोना का और लोगों को काम भी है, उतने लोग नहीं निकल रहे हैं जितना निकलना चाहिए था। देख सकते हैं रोज की तरह भीड़ नहीं है। ऐसे ही अगर प्रशासन सख्ती करे और जुर्माना के 1,000 रुपये से बढ़ा के अगर 2,000 रुपये कर दिए तो लॉकडाउन तो अपने आप ही लग जाएगा, सरकार को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बेवजह मानते नहीं हैं। लोग नहीं चेते तो तबाही मचने वाली है। भाई साहब मास्क काहे नहीं लगाएं? दुकानदार भी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना तो फैलना ही है ना। आप देख सकते हैं प्रशासन 1,000 की जगह अगर 2,000 जुर्माना कर दे तो जो परसेंट अभी है कि कुछ लोग सुधरे हैं तो परसेंट बढ़ जाएगा लोगों को सुधरने का। क्यों नहीं समझते लोग बात, क्यों नहीं चेतते? जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं और धोके दूसरे पहन लेते हैं, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है या साधन नहीं है तो कपड़े का मास्क बनाकर जैसे हम पैंट शर्ट धोते हैं ऐसे मास्क धोके भी पहन सकते हैं। अब हम आपको रोज़ की आदतों में डालना होगा, जैसे हम मोबाइल को आदतों में डालते हैं, विभिन्न अंग है मोबाइल, ऐसे ही मास्क भी अब शरीर का विभिन्न अंग का हिस्सा है, लापरवाही नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ऐसे एक कपड़ा और समझिए कि हम मास्क पहन रहे हैं। जैसे बनियान पहनते हैं शर्ट के नीचे, तो हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो गर्मियों में बनियान नीचे पहनते हैं कि पसीना ना आए और हमारी शर्ट ख़राब ना हो। तो जब हम अपनी शर्ट का ध्यान रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य और जीवन का भी तो ध्यान रखिए। मास्क इतना ज़रूरी हो गया है कि बहुत ही ज़रूरी अब अंग बन गया है मास्क। अगर हम आप लापरवाही दिखाएंगे तो लाइन तो लगी रहेगी अस्पताल में, जब लाइन लगी रहेगी तो बेड भर जाएंगे, सब कुछ भर जाएगा, फिर प्रशासन को दोष देंगे। गलतियां हम आप करेंगे, दोष प्रशासन को देंगे। प्रशासन ने जो गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, बेवजह ना निकलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो हम आप ज़रूर जीत सकते हैं कोरोना से। कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं हो गया कि हम हिंदुस्तान वाले उस प्लेयर को आउट ना कर सकें। जब हम 83 में वर्ल्ड कप जीत लाए, अभी बीच में वर्ल्ड कप जीता था, तो इतने धुरंधर खिलाड़ी इंडिया वालों ने हरा दिए, तो ये कोरोना कौन से नाम की चीज़ है। बस हम आपको सावधानी से खेलना है और पिच पर जमना है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं पैड वैड लगा के आते हैं, क्यों लगाते हो पैड, कि हम चोटिल ना हो जाएं। तो बस इतना ही समझना है कि हम एक प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, और अगर हम मास्क लगा लेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। जब हम अपने हाथ पैरों की रक्षा कर सकते हैं क्रिकेट पिच पर, फुटबॉल में, हर जगह,
तो अपने उसकी रक्षा नहीं कर सकते क्या हम आप? स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी है, जीवन है तो सब कुछ है। जब हम आप नहीं रहेंगे फिर क्या कर लेंगे? मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।